असलम आप देख रहे हैं हो क्या रहा है मैं फैसल अब्बासी ग्रुप एडिटर नाइन टू न्यूज़ इरशाद अहमद आरफ सब साथ हैं शुक्रिया इशाद साहब आपका प्रोग्राम में हमें ज्वाइन किया है सबक वजरम पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर आनुमा शाहिद खा खान अब्बासी साहब ने अब्बासी साहब थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम आपसे गुफ्तू करते हैं पाकिस्तान के सियासी उफक़ पर इस वक्त जो सबसे ज़्यादा गर्मा गर्म बहस है वो यही है कि नवाज़ शरीफ साहब क्या वापस आ रहे हैं अगर आ रहे हैं तो कब आ रहे हैं दूसरी जानेब वो वापस आएंगे तो उनकी नााहली क्या ख़त्म हो जाएगी वो पाकिस्तान की सियासत में बजात खुद फिर से मुतहरक हो जाएंगे लेकिन नवाज़ शरीफ साहब की वापसी को लेकर उनकी जमात की दूसरे दर्जे की जो क़्यादत है वो कन्फ़्यूज़ नज़र आती है मुतजाद बयान हैं अयाज़ सदक साहब और कुरम दस्तगीर साहब के दो बयान का ये हवाला है ज़रा देखिए फिर आके बात करते हैं कुछ होने वाला है और इस दुनिया के इंसाफ का वक्त आ गया मैं कोशिश करूंगा कि 20 तारीख को फिर से लंदन चला जाऊं मैं तो मियां नवाज शरीफ साहब को लेने जाऊंगा इंशाल्लाह वापसी तो मशरूत है सेहत से जैसे ही उनकी वो सर्जरी होगी तो वो उसके बाद जब डॉक्टर इजाजत देंगे वो तशरीफ लाएंगे अयाज साहब ने जो गुफ्तगु की है वो बड़ी मुबम सी है उसकी बेहतर जो तशरी है वो खुद ही कर सकते हैं इसको तो मैं बिल्कुल वेरीफाई कर सकता हूँ कि पार्टी ने उन्हें ऐसी कोई दरखास्त नहीं भेजी ये एक तजाद है जो मुस्लिम इखन की दूसरे दर्जे की क्यादत में पाया जाता है अब ये तजाद जानबूझ कर है या हकीकी है इससे मुतल भी आज के प्रोग्राम में जानेंगे दूसरी जान सियासी मुबसर और तज़ियाकार हैं वो कुछ डील की बातें भी कर रहे हैं और अगर नवाज शरीफ और उनकी जमात की किसी किस्म की कि कोई डील हुई है तो वो बयानिया जो वोट को इज्जत दो का था और आइन की बालादस्ती का था उसका क्या बनेगा वह मतवाले चार सात तक चार साल तक जो पार्टी क्यादत का साथ देते रहे जब कभी पार्टी ने उनको बुलाया तो वो आइन की बालादस्ती के नाम पर सामने आते रहे क्या वो इस बात इस डील हकीकी है या खुदसाख्ता है और अगर किसी भी हालत में है तो इसके मकासद क्या है पहले तो मैं तस्ही कर दूं ये या यादक साहब या खुरम दस्तगीर साहब या शायद खाकान अब्बास साहब ये सफ़े अवल की क्यादत है मियाँ नवाशीफ साहब शबा आशीफ साहब मरियम नवाज साहबा और इसी तरह शायद हाकान अब्बासी साहब अयाज साद साहब साथ, ये दूसरे दर्जे की क्यादत नहीं है ये देखें गुज़ारिश ये है कि जो इस वक्त सूरत हाल पैदा हो रही है वो अयाज़ सादक साहब के दौरे से पैदा हुई है जो उनको लंदन का दौरा हुआ मुलाकात हुई वापसी आई और उन्हें कुछ बयान आए लेकिन इससे ज़्यादा जो है वो डी जी आई एस आई के इशू पर जब थोड़ा सा तखीर हुई नोटिफिकेशन के इजरा में तो उससे कुछ सियासी हलकों ने और कुछ सहावती हलकों ने ये तो वाबस्ता कहीं कि शायद इमरान खान साहब के हालात जो हैं वो कोई उतने अच्छे नहीं रहे और सेम पेज जो है वो सेम पेज नहीं रहा महंगाई की वजह से बेरोज़गारी की वजह से और इलेक्शन जो खैबर पख्तुनखवा के हारी है इंसाफ उसकी वजह से शायद जी का जाना ठहर गया है सुबह गया कि शाम गया लेकिन इसका एक दूसरा पहलू भी है कि अगर ये बातें दुरुस्त समझ ली जाएँ तो इससे खुद मियाँ नवाशिफ साहब और उनकी जो उनके साथी हैं या मुस्लिम लीग का नैरेटिव को एक नुकसान पहुंचता है कि इसका मतलब है सारा जो दबाव था सारी जो जदोजोद थी सारी जो कोशिशें थी वो एक बार फिर डील के लिए थी और उन लोगों से या उन हलकों से डील के लिए जिनकी मुदाखलत के ख़िलाफ़ मुस्लिम लीग और मियाँ नशिफ़ साहब एक जदोजहद कर रहे हैं लेकिन मेरा ख्याल है कि शायद शाह खाकानाबाजी साहब वो मुनासिब तीन आदमी हैं जो हमें बता सकते हैं कि ये जो बातें शुरू हो गई हैं कॉलम लिखे जा रहे हैं टी वी पर गुफगू हो रही है सियासतदान बयाना दे रहे हैं कल बड़े गरजे बरसे हैं बिलावर भुटो साहब इसमें हकीकत क्या है सर कोई अंदर खाना कोई मुकर कोई रबते कोई डील की बातें हो रही हैं या बस सिर्फ ये एक ऊपर ऊपर से सब कुछ हो रहा है और हकीकत ये नहीं है जी बहुत शुक्रिया जी मैं गुजारिश ये करूँगा कि डील क्या होती है डील होती है हुकूमत में हिस्सा दे दें इकतदार में आने दें कोई मुफाद दे दें यहाँ तो कोई ऐसी बात मुमकिन नहीं है जी हमारी पहले दिन से पीएमएलएन की पीडीएम की एक डिमांड है कि मुल्क का निज़ाम आइन के मुताबिक करें और मुल्क के मसाइल का हाल एक फोर जीअर शिफाफ इलेक्शन में है ये ये बात जो भी ये बात सरे आम होने वाली बात है ये कि बंद कमरे की बात नहीं है ये मुजाकरात की बात नहीं है ये बड़ी सीधी बात है इस पर अगर मामला चल सकता है तो बिल्कुल चलेगा बाकी फैसला अवाम ने करना है इलेक्शन में करना है नहीं। नहीं। बड़ी सीधी सी बात है दो राय नहीं है नहीं आप, में कोई दो राय पर नहीं है आप तो बिल्कुल क्लियर हैं इस मामले में लेकिन क्या इस हवाले से कि चलो जी मामला जो हैं वो आइन के मुताबिक चलें इस पर कोई पैगाम रसानी कोई रे कोई अंदर खाने डील हो रही है या नहीं यानी वो इकतदार के लिए ना सही लेकिन आइन की बालादस्ती के लिए कोई इस्टेबलिशमेंट से मुजाक आपके हो रहे हैं या मियाँ साहब के हो रहे हैं नहीं कोई ऐसी बात मेरे इल्म में नहीं है हमारी पार्टी का मौक़ यही है कि जो बात होगी वो पब्लिक नॉलेज में होगी वो छुप कर नहीं होगी क्योंकि हमने मुफाद की बात तो करनी नहीं है हमने कोई हिस्सा नहीं मांगना किसी चीज़ में हमने तो मुल्क की बात करनी है मुल्क के मसाइल की बात करनी है ये ये सारी बात है बदकसमती से हमारा हम कॉलम पहले लिखते हैं तबसरा पहले करते हैं और फिर खबर बनाने की कोशिश वहाँ से करते हैं हमारे वाइद है जो हक बाद में आते हैं उनके उनको बयान पहले किया जाता है <laughs> लेकिन कहा तो ये जा रहा है बड़े शद्दोमद से और आपके कुछ साथी हैं दोस्त हैं वो भी कह रहे हैं या सादिक साहब ने जो बात की वो आपने सुन ली कि वाला बाकायदा बहुत सारी चीज़ें तय पा चुकी हैं दो मुल्क गारंटर हैं और मियाँ साहब की वापसी भी होगी उनके नाली भी ख़त्म होगी आ, अर्ली इलेक्शन भी होंगे और मुस्लिम लीग को हिस्सा भी, भी, भी तो यहाँ तक डिस्कस हो रहा है तो इसका मतलब ये सारी अफवाहें हैं क्या सारियाँ हैं जी कम से कम मेरी नॉलेज में बात कोई नहीं है अगर, अगर या सादे साहब ने बात की है तो वो मुझसे बेहतर जानते हैं मुझे इन बातों का बिल्कुल इल्म नहीं है ऐसी बात कोई हो सकती है जी इकसादी पॉलिसी हमेशा हुकूमत जब आती है उस वक्त बनती है वो उससे पहले बनाना ज़रा मुश्किल काम होता है क्योंकि आपको हक इल्म नहीं होता हाँ। जी तो इसलिए ये सब बातें मैं नहीं समझता कि ऐसी कोई बात है हमारी हमारा डिमांड बड़ी वाजे है मैंने पहले भी कहा मुल्क का निज़ाम आइन के मुताबिक हो और आ, हल जो है वो फॉर शिफावि साहब जब जब मुजाकरात नहीं होंगे तो आपकी डिमांड कैसे पूरी होगी इस डिमांड को पूरा करने के लिए कोई राहत इनिशिएट हो चुके हैं जी मुझे किसी मुजाकर का इल्म नहीं है मुजाकरात की ज़रूरत नहीं है ये बेसाखी हुकूमत की हटा दें ये हाथ हटा दें खुद ही हकूमत जाएगी एक, एक दिन नहीं रह सकती क्योंकि पॉपुलर मैंडेट हुकूमत के पास नहीं है के अपने एम एन एज भागना चाहते हैं इतिहादी भागना चाहते हैं तो हुकूमत नहीं रह सकती इतनी बात है जब भी मुल्क का निज़ाम आइन के मुताबिक होगा तो बात चल पड़ेगी अबाज साहब ये के पी के में बलद्यातीक्शन पहला मरल हुआ सत्रह अजला में तहरीक मेयर की सतह पर या तहसील चेयरमैन की सतह पर दूसरी जमात बनी पहले नंबर पर मौलाना फजलरहमान आ गए और पीपल्स पार्टी और नून लीग जो कौमी जमातें थी वो बहुत पीछे चली गई इसके दो पहलू हैं एक तो क्या आप ये समझते हैं कि अब लेवल प्लेंग फील्ड तमाम जमातों को मिल रही है शफाफियत इलेक्शन में आ गई मुदाखलत खत्म होगी नंबर वन नंबर दो मौलाना रहमान आगे चले गए और आपकी जमात और पीपल्स पार्टी पीछे चले गए तो क्या सियासी जमातों से लोग मायूस हो रहे हैं देखिए सब सियासी जमातें थी जिन्होंने इलेक्शन में हिस्सा लिया है हर इलेक्शन के अपने मुहरक़ात होते हैं हर इलेक्शन जिस ज़िले में होता है वहाँ की अपनी डायनामिक्स होती है लेकिन एक बात बड़ी वाज़ है कि लोगों ने गवर्नमेंट के, के ख़िलाफ़ वोट दिया है वहाँ साढ़े आठ साल से एक ही जमात की गवर्नमेंट है आ, लेकिन और गवर्नमेंट में होने के बावजूद इंतज़ामिया होने के बावजूद पुलिस होने के बावजूद डेवलपमेंट फंड होने के बावजूद एक ब, बहुत बड़ी शिकस्त पी टी आई को हुई है और ये इलेक्शन की कामयाबी ये अपोजिशन की कामयाबी है तो उसमें मौलाना साहब ने यकीन सीटें हासिल की हैं मुस्लिम लीग नून ने भी कुछ की हैं पीपल्स पार्टी ने भी की हैं तो ये इलेक्शन का मरल चलता रहेगा लेकिन जो यहाँ से मैसेज है कि अवाम ने पी टी आई की पॉलिसीज़ को रिजेक्ट कर दिया है इसकी नाकामियों को जो मुश्किल उसने पैदा की है अवाम के लिए वो आज उसकी शिकस्त का सबब बनी है और यही हालात आप जनरल इलेक्शन में भी देखेंगे तो आपके ख्याल में मुदाखलत नहीं हुई है। शफाफ इलेक्शन हुए और अगले इलेक्शन इसी तरह शफाफ ही होंगे मुदाखलत नहीं हुमत कर सकते उसकी हुकूमत होते होते अगर वो हारती या तो बलदियाती इंतबात में जहाँ डायरेक्ट पोलिंग हो वहाँ पर हुकूमत ही मुदाखलत करती है जो सूबे में होती है जो इस्टबलिशमेंट की मुदाखलत मैंने दो हज़ार दो के इलेक्शन में देखी है जो बलदियात के हुए थे दो हज़ार एक में वहाँ पर बेपनाह मुदाखलत थी लेकिन वो भी जो नाजिम की सतह पर थी जो इन डायरेक्ट इलेक्शन था जी डायरेक्ट इलेक्शन में जरा इस सतह पर की सतह पर गांव की सतह पर जाकर मुदाखिल करना तो जरा मुश्किल काम है ठीक अबाइस ये नवाज शरीफ साहब की वापसी को लेकर जो सारी बातें हो रही आपकी इसमें राय क्या है क्या नवाज़ <coughs> शरीफ साहब को मौजूदा जो मुल्क के हालात हैं उनको देखते हुए वापस आ जाना चाहिए और ये वापसी को लेकर इतनी ज़्यादा बातें हो रही हैं लेकिन शरीफ ख़ानदान की जानब से मुकम्मल खामोशी है जी मैं वही कह रहा हूँ ना हम तजी पहले करते हैं और हकाइक बाद में आते हैं ये बात बड़ी सीधी है आ, हमारी हमेशा मशवरा मियाँ साहब को रहा है कि अपना इलाज करवा कर आए लेकिन ये फैसला कि वो कब आएंगे ये मियाँ नवाशी साहब ही कर सकते हैं ये कोई और शख्स नहीं कर सकता अगर वो ये समझते हैं कि इस वक्त मुल्क में उनकी ज़रूरत है तो वो यकीन आ जाएंगे जिस तरह दो में उनको एक जज को ब्लैकमेल करके कन्विक्ट किया गया इलेक्शन के दौरान और वो एक दिन की मोहलत भी लिए बगैर अपनी बेटी समेत पाकिस्तान आ गए थे और जेल चले गए थे तो ये फैसला आप मियाँ साहब पर छोड़ दें तो बेहतर होगा साहब कल या परसों या अगले हफ्ते मिनी बजट आ रहा है ये बेहतरीन मौका होता है पोजीशन के लिए बजट के मौके पर के किसी बजट को नामंजूर करा दें और हुकूमत घर चली जाए तो क्या कहा ये जा रहा है कि आपके रबते हैं तहरीक इंसाफ़ के मंबरान से भी इतिहादियों से भी तो ऐसी कोई कोशिश हो रही है कि बजट मंजूर ना हो पाए देखिए यकीन ये पहले बजट आए तो सही कि है क्या और ये क्यों है और इसके क्या जो एमए से डील हुई है वो क्या है और इसका असर आवाम पर क्या होगा ये चीज़ें सब जब पार्लियामान में डिबेट होती है तो ये चीज़ें सामने आती हैं लेकिन जो आपने बात की कि इतहादियों से और पी टी आई के मंबरान से तो मैं हमेशा कहता हूँ कि ये जब बैसाखियाँ हटेंगी तो ये लोग सामने आएंगे ये जो जॉइंट सिटिंग थी उसके अंदर ये हुआ था कि किूमत अपनी पूरी कोशिश के बावजूद भी एक सौ नब्बे मम्बरान इकट्ठे नहीं कर सकी थी लेकिन जब टेलीफोन कॉले गईं तो मेरे इतहादि भी आ गए और जो मम्बरान आज पी टी आई से नाला हैं वो भी वापस आ गए तो जब ये बैसाखी हटेंगी तो फिर आप देखेंगे कि लोग अपनी हकीकी राय का इज़हार करेंगे इसका मतलब है विसाखियाँ अभी नहीं हटी और फिर इसी तनाजुर में हम ये समझ सकते हैं कि बाकी जो बातें हो रही हैं मियाँ साहब की वापसी की या डील वील की वो भी फिर गलत ही होंगी ना अगर बैसाखियाँ बदस्तूर मौजूद हैं मियाँ इमरान खान की जरूरत ये, ये, तो ये तो वक्त बताएगा जी। ये तो वक्त बताएगा अच्छा जी जी ये तो वक्त बताएगा कि विसाखियाँ कब तक कायम रहेंगी ये इसके आसार नज़र आ जाते हैं और वो आसार जब नज़र आए तो हुकूमत एक दिन भी नहीं रह सकती अभी आसार नहीं आज एक बड़ी तादाद है पीटीआई के अपने एम एन एज की कम अज़ कम मुझे नज़र नहीं आई मैं हकीकत से आपको बता सकता हूँ मुझे नज़र नहीं आए लेकिन वो मैं उसको उसका टेस्ट किया जा सकता है ये अपोजिशन इकट्ठी मिलकर इसका टेस्ट कर सकती है नहीं। नहीं। लेकिन मैं ये बिल्कुल आपको एक वाज हकीकत बताना चाहता हूँ कि एक बड़ी तादाद है पी टी आई के एम एन एज की जो ये समझते हैं कि उनकी सियासत उस जमात के साथ अब नहीं है और वो अगर हल्के में पीटीआई का टिकट लेकर गए तो इलेक्ट नहीं हो पाएंगे उनकी सियासत ख़त्म हो जाएगी तो वो आज बड़े ओपनली वो आना चाहते हैं लेकिन वो कम से कम ये गारंटी चाहते हैं कि उनकी इज्जत महफूज रहेगी और वो किसी दबाव के शिकार नहीं होंगे ऐसे कितने लोग हैं आबाद साहब एक बात दूसरा ये है कि पीपल्स पार्टी कहती है कि टेस्ट कर लें आदम अतमाद की तहरीक पेश करके वो उसके लिए आप तैयार नहीं होते जी हम बिल्कुल तैयार हैं जी बिल्कुल तैयार हैं बैठ के बात कर लें कहाँ करनी है सेनेट में करनी है कौमी असम्बली में करनी है पंजाब में करनी है वो ज़रूर कर लें लेकिन उसका एक तरीका होता है उसके लिए तैयारी करनी पड़ती है और ये मेहमरान जो है कम से कम जो मेरी नॉलेज है मेरी जती नॉलेज है बीस से ज़्यादा मेहमरान हैं जो इस वक्त पी टी आई के टिकट पर नहीं लड़ना चाहते कितने आबाद साहब कोई तादाद बीस बीस से ज़्यादा है जी बीस से ज़्यादा हैं अच्छा जी सेम पेज अगर बरकरार है तो उसके साथ आप तरीके कैसे ला के कामयाब बना सकते हैं माजी में तो आप हमेशा ये कहते रहे हैं कि तरीके ऐसे कामयाब नहीं होती देखिए सेम पेज भी अवाम की सपोर्ट के बगैर नहीं रह सकता जहां मीषत तबाह हो जाए वहां सेम पेज नहीं रहता आज नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी शायद कबीनर ने अप्रूव की है वो देखी तो नहीं है किसी ने लेकिन मुझे उम्मीद है कि हमने जो हमेशा कहा था और नवासिफ़ साहब ने सबसे पहले कहा था कि मुल्क की जो सलामती होती है वो उसकी मीषत पर उसका दारोमदार होता है अगर मीषत मजबूत होगी तो मुल्क की सलामती होगी मीशत कमज़ोर हुई तो मुल्क की सलामती को खतरा होता है तो मुझे उम्मीद है कि इसमें भी जो इकनॉमिक स्टेबिलिटी है उसका बड़ा अंसर होगा इस पॉलिसी में तो आ, ये जो मामला हैं मुल्की सलामती के जब मुल्क की सलामती ख़तरे में हो मीशत तबाह हो जाए तो फिर सेम पेज रहना मुमकिन नहीं होता अबा साहब अब ए वी एम का आ, कानून पास हो गया है अब अगले बलदियाती इलेक्शन भी शायद वो मशीनी वोटिंग के ज़रिए हूँ तो आपने फरमाया था कि कोई और जाए ना जाए अगर ये बिल पास हुआ तो मैं सुप्रीम कोर्ट में जाऊंगा लेकिन अभी तक अपोजिशन का कोई शख्स जो है सुप्रीम कोर्ट में नहीं गया है इस हवाले से ये उसमें हमारी स्ट्रेटजी है उसी को फॉलो कर रहे हैं क्योंकि ई सिर्फ कानून से नहीं आती ई जो है वो आइन में इलेक्शन कमीशन का अख्तियार है कि वो किस तरह इलेक्शन करवाए तो इलेक्शन की पहली ज़रूरत यह होती है कि उसको आवाम के अतमाद हासिल हो और वो शिफाफ इलेक्शन हो सके तो अभी तो इलेक्शन कमीशन ख़ुद भी सैट्सफाइड नहीं है कि इस निज़ाम से इलेक्शन हो सकता है और निज़ाम को टेस्ट करने की ज़रूरत होती है क्योंकि आप इलेक्शन हर रोज़ नहीं करवा सकते आपको एक मंतख दिन पर आपको इलेक्शन करवाना होता है अगर निज़ाम नाकाम हो जाए तो फिर आ, वो बड़ी एक मुश्किल पैदा हो जाती है इसलिए मैं नहीं समझता हूँ कि इलेक्शन जो है मुस्तबिल करीब में ई वी एम या किसम की चीज़ों से हो सकते हैं ई वी एम तो एक नाकाम और फरसूदा निज़ाम है जिसकी कोई जगह नहीं है बहरहाल बहरअली हुकूमत चूंकि आवाम का मैंडेट नहीं रखती तो ये शायद ई वी एम का मैंडेट हासिल करना चाहिए अब आज साहब ये जो बीस से ज़्यादा अरकान आपसे राबतों में हैं या मुस्लिम लीग के से रबतों में हैं ये इनकी शर्त यह है कि हम जाहिर उस वक्त होंगे जब इस्टबलिशमेंट का हाथ इमरान खान के साथ से उठ जाएगा जी जब उनको टेलीफोन कॉले आनी बंद हो जाएंगी जी उसमें तो आ जाएंगी तो मतलब वो ज़ाहिर हो जाए उसके बाद खत्म हो जाएगा नहीं तो उसको उनको क्या पता है कि अब हम अगर शामिल हो तो होंगे तो टेलीफोन कॉल नहीं आएगी उनको पहले वो पूछेंगे उनसे ये ये पता लग जाता है जी अच्छा नहीं टेलीफोन कॉलों की अपना एक फिलासफी होती है नहीं अपनी एक तरीका कार होता है वो नज़र आ जाएगा साहब इस्लामाबाद में हालिया तब्दीलियों के बाद भी क्या टेलीफोन कॉले आने केम्कान हैं तब्दीलियों का इस मामले से ताल्लुक नहीं होता जी। ये मामला जो हैं ये एक पॉलिसी के तहत चलते हैं तो अल्लाह करे वो पॉलिसीज हम खत्म कर दें और हम मुल्क में अवाम की राय का एहतराम करें और मंबरान जो असम्बली में आए वो अवाम की राय से आए टेलीफोन कॉलों से ना आएं ये अब उस वक्त तो मुल्क की तरक्की और मुल्क की बेहतरी शुरू होगी जब हम आवाम की राय का एहतराम करेंगे अब अब्बासी मैं आपको एक वाक़ सुनाऊँ जब उन्नीस सौ पचासी में इसम्बली बहाल हुई पार्लियामेंट बहाल हुई तो अरकान इसम्बली का एक इजमा हुआ वो जनरल जियालाक से नाराज थे कि उन्होंने मोहम्मद ख़ान जुनेजो को आज खुद नामज़द कर दिया हमें मौका नहीं दिया तो वो स्पीकर का कैंडिडेट लाना चाहते थे खवाजा सफदर साहब के मुकाबले में क्योंकि ज़ियाल साहब के उम्मीदवार जो थे वो ख्वाजा सफदर साहब थे ख्वाजा आसिफ साहब के वाले तो एक जो मुअज़्ज़ज़ मेंबर थे मुअम्मर मेंबर थे उनका नाम तजवीज़ हुआ तो उन्होंने कि आप मुकाबला करेंगे खवाजा सफदर साहब का ज़ियालक के उम्मीदवार के मुकाबले में आप खड़े होंगे तो उन्होंने कहा कि ठीक है मैं तैयार हूँ लेकिन मुझे इजाज़त दें मैं जा के जयालख से पूछ लूँ कि मुझे खड़ा होना चाहिए या नहीं खड़ा होना चाहिए तो मेरा ख्याल है अब यार कान भी शायद आपसे यही कहते हैं हमें, हमें, हमें पहले पूछ लेने थे फिर हम आपके साथ खड़े होंगे जी जी अच्छा नहीं, नहीं, नहीं वो आपको याद होगा कि उसमें ख्वाजा साहब कामयाब नहीं हो सके थे नहीं हो सके थे वो तो वो तो हुआ था कामयाब नहीं हो उम्मीदवार बदलना पड़ा ना वो फकर इमान साहब को उम्मीदवार बनाया तो फिर वो खड़े हो गए और वो कामयाब भी हो गए लेकिन जो पहले उम्मीदवार थे अपोजिशन के वो उन्होंने कहा जी पहले मैं बताया यही Yeah. नहीं इन, इन पत्तों पर फिर तकिया हो सकता है बगावत गैर जमाती निजाम में जी जी इन पत्तों पे तकिया कर सकती है अपोजिशन जी बिल्कुल तकिया कर सकती है मैंने कहा कि आप जी. ये विसाखी हटा दें तो नो कॉन्फिडेंस तो एक दिन की बात है ऐसी तो मुश्किल बात नहीं है जी ठीक है बहुत शुक्रिया सबक वज पाकिस्तान शायद का वक्त का एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद नवाज शरीफ साहब की वापसी से बात करेंगे अगर वो वापस आते हैं तो कौन से कानूनी महाज हैं जिनका उन्हें सामना करना पड़ेगा और उस पर जो सरकारी मौकफ़ है वो भी लेने की कोशिश करेंगे हमारे साथ रहिए ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका खैर मक़दम करते हैं हमें ज्वाइन किया है अटर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान खालिद जावेद खान साहब ने बहुत शुक्रिया खालिद साहब आपके वक्त का आपसे गुफ्तू करते हैं इर्शाद साहब नवाज शरीफ साहब का स्टेटस तो ये है कि सुप्रीम कोर्ट से वो ना अहल हैं एहतसाब अदालत से वो मुजरम हैं इस्लाम आबाद हाई कोर्ट से वो मफरूर और इश्तहारी भी हैं ये तो कानूनी पहलू हैं इस पर तो खैर अटर्नी जनरल साहब भी रोशनी डालेंगे लेकिन आपसे इर्शाद साहब मेरा सवाल ये है कि अब जब वापसी की बातें हो रही हैं और वो वापस अगर आते हैं तो क्या कोई ऐसा मास्टर एक्शन या मास्टर प्लान तय हो चुका है कि वो इन तमाम मामलों से जो कानूनी उन पर रुकावटें हैं आयल रुकावटें हैं उनसे उनकी जा, उनकी जान खुलासी हो जाएगी देखिए मेरा ख़्याल है हम तो कानून भी नहीं जानते आयन भी नहीं जानते तो खालिद जावेद साहब से हम ये पूछ लेते हैं लेकिन बााहिर एक शख्स जो तायात नााहल हो चुका है वो वापस आके पार्टी तो लीड कर सकता है और पार्टी की रहनुमाई भी कर सकता है और पार्टी को मनज़म भी कर सकता है लेकिन वो पार्टी की सदारत कैसे संभाल सकता है दोबारा इलेक्शन में कैसे हिस्सा ले सकता है उसके बाद जो चौथी बार वज़ी अजम बनाने की बातें हो रही हैं वो कैसे मुमकिन है ये हमारी जो नाक़ है उसमें तो ये बात नहीं आती लेकिन पाकिस्तान में कहा यह जाता है कि यहाँ हर चीज़ मुमकिन है दुनिया में जो काम नहीं हो सकता वो पाकिस्तान में हो सकता है तो खाले जावेद साहब से जो पहला सवाल मेरे ख्याल है मैन वाशिफ साहब का मामला तो हम डिस्कस करेंगे ये जो राना शमीम साहब के बयान हल्फी का मामला है वो पहला हम पूछ लेते हैं कि जनाब अदालत ये कह चुकी है कि ये तोह अदालत का केस नहीं है बल्कि केस की नोयत यह है कि एक बयान हल्फी जो लिखा गया और उसमें फैक्ट्स भी दुरुस्त नहीं हैं और फिर अखबार में छापा गया उनकी इजाज़त के बगैर तो आप ये फरमाएँ कि के केस क्या बनता है एक और दूसरा ये है कि इसके अखबार के लिए सहाफ़ी के लिए और आना शमीम के लिए मुजमरात क्या हैं? देखिए पहली जो बात है उसमें ये कि ये एफ़िडेविट राना शमीम साहब जो आज वो ओन भी करते हैं उसके कॉन्टेंट्स उसमें उन्होंने इल्जाम ये लगाया कि इस्लामाबाद हाईकोर्ट के ऊपर हाई एक जज साहब का नाम लेके अखबार ने उनका नाम नहीं छापा था कि उन्होंने डायरेक्शन लिया साकिब निसार साहब से और राना शमीन साहब का कहना था कि ये उनकी मौजूदगी में हुआ और ये है 2018 के जून जुलाई में जब ये वाक्य हुआ अब इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने इसमें नोटिस इसलिए लिया कि इस एफिडेविट के जरिए पूरी एक अदलिया और ख़ास तौर पर हाई कोर्ट की जो इम्पारशलिटी है और इंडिपेंडेंस है उस पर एक बड़ा क्वेश्चन मार्क खड़ा कर दिया राना शमीम साहब ने तो इसलिए कोर्ट ने उसका नोटिस लिया और अब राना शमीम साहब क्योंकि उसको ओन कर रहे हैं उसके कॉन्टेंट्स को अब उनकी जिम्मेदारी है कि जो उन्होंने एलिगेशन लगाया उसको साबित करें उन्होंने कोर्ट में अपना जवाब फ़ाइल किया है आज कोर्ट ने हियरिंग के बाद इस नतीजे पर पहुंची कि इतना मवाद मौजूद है कि इन पर चार्ज फ्रेम किया जाए जिसके लिए सात तारीख को ये केस रख दिया गया है दूसरा हिस्सा आपके सवाल का था अखबार जिन्होंने पब्लिश किया और मेरे ख़्याल आपका सवाल ये कि आज़ादी इजहार राय मेरी भी इस केस में पहले दिन भी ये राय थी और आज ये। 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 भी है कि राना शमीम साहब तो एक प्रिंसिपल या प्राइमरी पार्टी हैं जिन्होंने एक एफिडेविट दिया है लेकिन अखबार ने क्योंकि उनको आर्टिकल 19 और 19 ए आइन का जो है वो कुछ हकूक देता है जो जर्नलिस्ट के लिए और आवाम की जो इंफॉर्मेशन है उसकी रसाई तक उसमें उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी सेकेंडरी है उनको सिर्फ ये देखना चाहिए था कि शायद और केयर एक्सरसाइज करना चाहिए था तो जिम्मेदारी का मुजाहरा करते हुए उसको वेरिफिकेशन कर लेते लेकिन दोनों की जिम्मेदारी बराबर नहीं है राना शमीम साहब की बुनियादी जिम्मेदारी है और वो क्योंकि ओन कर रहे हैं उस स्टेटमेंट को अखबार को ये जरूर आ, साबित करना होगा और जो जर्नलिस्ट हैं कि जी उन्होंने एक ड्यूटी ऑफ केयर जो रिक्वायर्ड है इतने बड़े इशू के ऊपर जिससे अवाम का अदलिया पे से एतबार उठ सकता है अगर वो एलिगेशन सच्चा होता तो क्या उन्होंने वो एहतियात से काम लिया या नहीं जी लेकिन कोर्ट ने बार बार ये बात इस बात का आदा किया और मैं भी इस बात पे बिलीव करता हूँ कि जर्नलिस्ट से उनके सोर्स इस किस्म के कॉन्टेक्स्ट में नहीं पूछने चाहिए और नहीं पूछे जाए ये इल्ज़ाम लगाया है रान शमीम साहब ने साबित उन्हीं को करना है खालिद साहब ये आ, आ, आपने जो भी गुफ्तू की है क्या उससे ये हम समझें कि आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो जर्नलिस्ट हैं या अखबार है उनको जबता अखलाक या जो सहाफ़त की अखलाकियात हैं उनका ख्याल रखना चाहिए था और उनके लिए जो कॉन्सिक्वेंस हैं आप समझते हैं कानूनी तौर तो पर ज्यादा गंभीर हैं या अखलाकी लिहाज से ज्यादा गंभीर है नहीं मेरे ख्याल में दोनों तरीके से क्योंकि एक उन पर अखलाकी जिम्मेदारी भी है और कानूनी ज़िम्मेदारी भी है क्योंकि आपको एक प्रविलजेस भी दी गई हैं कॉन्स्टिट्यूशन में तो प्रिवेज के साथ जिम्मेदारी भी आती है और इसी वजह से जो जबता अखलाक जो कि एक आम शहरी पर रान शमीम साहब पे उस जबते का वो अप्लाई नहीं करता क्योंकि ये जाप्ता एक, एक, एक मिला हुआ है आज़ादी इजहार राय से तो उन दोनों चीज़ों की कानूनी और मॉरल दोनों अब्लिगेशन है उसमें अच्छा खालिद साहब ये फरमाएं कि मियां वाशिफ साहब की वापसी की बातें हो रही हैं और सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के सदर हसन भोन साहब कह चुके हैं कि हम अदालत उजमा में रुजू करने वाले हैं कि ये ताहयात नाहली की तशरी होनी चाहिए और महदूद होनी चाहिए पहली बात तो ये है कि ज़ाहिर कैबिनेट में भी ये मैटर डिस्कस हुआ होगा मियावाशीफ साहब अगर वापस आते हैं तो उनको किस किस्म के कानूनी नतज का सामना करना पड़ेगा जो भी उन पर मुकदमात हैं और जो उन्हें सज़ाएँ हो चुकी हैं नंबर वन नंबर दो उनकी नााहली ख़त्म हो सकती है जबकि रिव्यू पटिशन भी उनकी खारिज हो चुकी है देखिए जो पहला सवाल है नवाज शरीफ साहब जब पाकिस्तान से गए थे तो उनके ख़िलाफ़ एक ट्रायल कोर्ट का दो केसेस में फ़ैसला आया हुआ था और उसमें उनको सज़ा हुई थी हाई कोर्ट ने उनकी सस्पेंशन इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सस्पेंड की थी और वो अपनी हेल्थ के ग्राउंड पे लाहौर हाई कोर्ट से इजाज़त लेके गए थे और वो बड़ी लिमिटेड ड्यूरेशन की इजाज़त थी और कंडीशंस उस पर थी और शहबाज शरीफ साहब उनके गारंटोर थे तो उन तमाम शराइ का आज भी उनके ऊपर ऑब्लिगेशन है उनकी जिम्मेदारी है उन शराइ को पूरा करना और अगर वो फैसला करते हैं वापस आने का तो ज़हरे वहीं से केस शुरू होगा और अब वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में उनके खिलाफ दूसरी प्रोसीडिंग्स भी हो चुकी हैं क्योंकि उन्होंने अपनी अपील अटेंड नहीं की है जब वापस आएंगे तो उनको अपील अपनी डिफेंड करने का आ, मौका मिलेगा या आ, पहले ज़हरे जो प्रोसीडिंग्स उनके ख़िलाफ़ हो चुकी हैं उन्हें उससे डील करना होगा जो दूसरा सवाल है आपका वो इस वक्त जो नवाज़ शरीफ साहब है सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट की रोशनी में उनकी जो नााहली है वो ताहियात है उसके आसान तरीक उसको ख़त्म करने का पार्लियामेंट के पास है ये आर्टिकल बासठ है बासठ और तिरसठ वो दोनों आइन के ज़रिए तरमीम हो सकती है अगर पार्लियामेंट चाहे तो उसमें लिमिटेशन डाल सकती है कि डिस्कवालिफ़िकेशन कितने साल के लिए है वो अगर इसी तरह रखना चाहती है तो फिर डिस्कॉलीफिकेशन ताहत रहेगी जहाँ तक अदालत का सवाल है सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन का मैंने भी स्टेटमेंट देखे वो जब पटिशन फाइल करेंगे तो वो यकीन है मुझे कि सुप्रीम कोर्ट उसकी मेरिट पर उसे कंसिडर करेगा रिव्यू डिसमिस होने के बाद ये किस नेचर की प्रोसीडिंग्स होंगी क्या सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की के स्टैंड आए है ये तमाम कोर्ट में कंसिडर की जाएंगी जब वो फ़ाइल होगी तो उसको फिर कोर्ट में देखा जाएगा खालसाब आपके केतीी नुक़ः नज़र कानूनी नुतः नज़र क्या है कि एक शख्स जो अदालत के रूबरू सबित हो जाए गैरसाद झूठा साबित हो जाए तो उसकी डिसकॉलीफिकेशन जो है ताहियात होनी चाहिए या लिमिटेशन होनी चाहिए पाँच साल की सात साल की आठ साल की एक नुकतः नज़र यह है कि ये इंसानी हक़ूक़ के मुनाफी है कि तावायात उसको नाहल करा दिया जाए दूसरा नुक़ः नज़र यह है कि एक आदमी झूठा सबित हो गया है तो वो ज़िंदगी भर उस पर एतबार नहीं किया जा सकता वो अपने वोटों से भी झूठ बोलेगा अपने हल्का इंतख्या को भी धोखा दे सकता है तो आपका ज़ाती नुक़ नज़र क्या है देखिए इस पर यकीन एक से ज़्यादा राय हो सकती है जैसे मैंने अर्ज़ किया कि अब क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट है तो होना चाहिए का इशू तो अब रेलिवेंट नहीं है ये कानून है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने उसकी तशरी की है अगर हम चाहते हैं कि उसको तब्दीली हो या और कोई लोग चाहते हैं या सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन चाहती है तो उसके लिए मेरे ख्याल में बेहतरीन फोरम पार्लियामेंट है वहाँ इस इशू पे बहस भी होनी चाहिए और इस पर भी बहस होनी चाहिए कि क्या आर्टिकल बासठ वन एफ़ की ज़रूरत भी है या नहीं क्योंकि नहीं। ये पहले भी कंसिडर हो चुका है पार्लियामेंट के सामने आ आज अगर आप उनसे सवाल पूछें तो कानून तो ये है कि ये ताहत है लेकिन ये प्रिवलेज पार्लियामेंट का है और बजाय इसके कि कोर्ट में इसको एजिटेट किया जाए पार्लियामेंट सही फोरम में वहां इस पे बहस होनी चाहिए बिल्कुल ठीक है खालिद साहब एक ब्रेक लेते हैं ब्रेक के बाद जब आएंगे तो आपसे ये जानेंगे कि फवाज चौरी साहब ने कहा कि नवाज शरीफ को हम वापस लाएंगे अब कैसे वापस ला सकती है हुकूमत ये आपसे जानते हैं एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुश आमद कहेंगे अटर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान खालिद जावेद खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं खालिद साहब एक एक इश्तारों वाले मामले पे मरीम नवाज़ साहिबा की ऑडियो टेप आई जिस पर हुकूमत ने यह फैसला किया कि अब इसकी तहकीकत तहकी 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 होंगी लेकिन उसके साथ साथ एक और मुबैन ऑडियो टेप थी जो सबक चीफ जस्टिस साकब निसार साहब से मंसूब की जा रही थी अब अपोजिशन ये सवाल उठाती है कि आप इस ऑडियो टेप की तहकीक़त हुकूमत क्यों नहीं करवाती देखिए बुनियादी सवाल ये है कि ये अगर आप देखें आजकल बड़ा आसान है मैन्युफैक्चर करना इस तरह की टेप्स को आपने देखा इसी एक पर्टिकुलर जो कन्वर्सेशन या उनकी बातचीत है उसके डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में डिफ़रेंट बिल्कुल बैकग्राउंड में दो वर्जन सामने आए फिर दो मुख्तलिफ जो है फॉरेंसिक रिपोर्ट सामने आई है मेरे उसमें ख्याल ये है और मैं क्यों उस चीज़ की मुखालफत गवर्नमेंट में मैंने भी मुखालफत की किसी कमीशन बनाने की इंक्वायरी की कि ये एक नेवर एंडिंग एक्सरसाइज है अब सोशल मीडिया और ये टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो गई है कि आपके लिए तकरीबन इम्पोसिबल है कि किसी हतमी नतीजे पर पहुँचे और अगर हमने अदालती शख्सियात को या और जो जिम्मेदार उदों पर शख्सियात फाइज हैं उनके बारे में एक दफ़ा ये प्रोसेस अगर शुरू कर दिया तो ये बड़ा ख़तरनाक और स्लिपरी रास्ता है इसका कोई एंड नहीं है इस तरह की इराफात जो हैं अगर किसी केस में कोई समझता है कि वाकई उसकी अहमियत है और कोई केस पेंडिंग है तो उसको यकीन यूज़ करें और सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा तफसील से जजमेंट दिया है कि ऑडियो या वीडियो का रिकॉर्डिंग मौजूद है और किसी केस में उसकी रेलिवेंस है तो उसको किस तरह इस्तेमाल किया जाए लेकिन हाल ही में जो मुशाह किया तो लगता ऐसा है कि एक माहौल क्रिएट किया जा रहा है जिसपे अदलिया और अदलिया के मुख्तलिफ़ फ़ैसलों पर लोगों का एतबार हटाने की कोशिश की जा रही है और ये एक तरह का एक प्रोवोकेशन है कि आप उस, उस उस ट्रैप में आ जाएं कि जी हम अदलिया के बारे में इस तरह की अन डॉक्यूमेंट्स की एक दफ़ा अगर शुरू कर दें इंक्वायरी तो फिर लोगों का अतमाद ख़त्म हो जाएगा अदलिया के ऊपर से और इदारों के ऊपर से और ये सिर्फ बात अदलिया तक नहीं रहेगी इसका कोई एंड नहीं होगा तो इस तरह की चीज़ों को डिस्करेज करना चाहिए अगर कोई सीरियस इशू है किसी पेंडिंग केस में इशू है एग्रीव पार्टी मौजूद है उनका पूरा हक़ है कि वो अपने केस में चीज़ों को इस्तेमाल करें लेकिन ये एक प्रोक्सी वॉर्स जो शुरू की हुई है कि खुद सामने अगर ना आए और आप दूसरे पटिशनर्स या लोगों को खड़ा किया जाए और एक माहौल क्रिएट किया जाए कि अदलिया पर दबाव डाला जाए किसी ख़ास केस पे किसी फैसला आ, के लेने के लिए या किसी ख़ास प्रोसीडिंग्स को अवॉइड करने के लिए तो इसको डिस्करेज करना चाहिए यही वजह है और ये मैं इरिस्पेक्टिव ऑफ किसी पर्टिकुलर केस के हर केस के लिए मेरी राय यही होगी खालिद साहब ये अदा अदालती निज़ाम या निज़ाम अदल पर बेअमादी की आपने बात की है जब बड़े लोगों के लिए ताकतवर लोगों के लिए फ़ैसले मुख्त किस्म के आते हैं आम तरह के आम लोगों के फैसले बीस बीस साल तीस तीस साल चालीस चालीस साल फैसले होते नहीं हैं तो निज़ाम अदल पर तो अतमाद ख़त्म होता है अब ये नवाशी साहब के केस में गर्नटर मुल्क में मौजूद हैं मियाँ शबाशीफ साहब तो क्या हुकूमत के पास कोई अख्तियार नहीं है कि वो गारंटर के ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई करे कि हमारा मुल्ज वापस ला के नहीं दिया आपने तो कानूनी आपको अख्तियार नहीं है देखिए मैं आप जी आपकी बात से मैं बिल्कुल मुतफ़ हूँ कि हमारे पाकिस्तान में अदल, अदालती निज़ाम में और दुनिया में भी लेकिन खसूस तौर पर पाकिस्तान में हमारा सबसे बड़ा मसला ये अलतवा का है लोगों के केस सालों साल पेंडिंग रहते हैं हर फोरम पर नीचे ट्रायल कोर्ट्स में हाई कोर्ट्स में सुप्रीम कोर्ट में भी बहुत पेंडेंसी है तो वो एक जेनवन मसला है और हमारी सबकी एफ़र्ट ये होनी चाहिए कि उसको एड्रेस करें और आपकी दूसरी बात से भी मैं मुतफ़ हूँ कि पाकिस्तान में बदकस्मती से अगर किसी ताकतवर शख्सियत पर आप हाथ डालें तो फिर वो अदालती निज़ाम को पूरे हिलाने की कैपेसिटी रखते हैं और आपने उसकी बिल्कुल मिसाल दी एक मौजूदा केस है शहबाज शरीफ साहब ने गारंटी दी है लाहौर हाईकोर्ट में कुछ कंडीशन नहीं और मेरे ख्याल में जल्दी गवर्नमेंट उसके ऊपर एक्शन लेगी और आ, कोर्ट में प्रोसीडिंग्स के लिए आ, कुछ ना कुछ बुनियादी दरखास्त तो दायर करेगी कि शबाज शरीफ साहब को क्योंकि वो एक जी जी नहीं शबाज शरीफ साहब को तो गारंटोर है बुनियादी तौर पे अभी देखिए इस केस में मैं ज्यादा कमेंट नहीं करना चाहता लेकिन आज तक जो मिया साहब जिस ग्राउंड पे गए थे वो इलाज का ग्राउंड था लेकिन जो शवाहद सामने आए हैं उसमें ऐसा लगता नहीं है कि कोई सीरियस बीमारी थी और किसी चीज़ का इलाज हो रहा है अगर ऐसा है तो फिर ये एक अदालत के साथ भी आपने आ, आ, मिस स्टेटमेंट किया अब उसकी अदालत की कंडीशंस भी थी और मेरा ख्याल में मेरी अदलिया से भी दरख्वास्त होगी कि जब हम इस तरह के एक्सेप्शन क्रिएट करते हैं बहुत ताकतवर लोगों के लिए तो उसके पर भी होते तो, तो जन्म लेती है पंजाब की पे उनको छूट मिली थी थी ना वो तो पंजाब ने दी थी। इवन के उनको जो एक हार्ट अटैक है उसकी तस्दीक तो यास्मीन राशिद साहिबा ने भी की थी तो क्या पंजाब हुकूमत में उस वक्त जो लोग मौजूद थे जो इस सारे मामले को देख रहे थे उनको भी शामिल तफ्तीश या उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी देखिये ये तमाम जो मेडिकल एक्सपर्ट्स थे उन्होंने जो सामने एविडेंस आया मैं उसको कुछ नहीं सजेस्ट कर रहा लेकिन ये ज़रूर कह रहा हूँ कि आपको उस वक्त एक स्टेज ऐसा आया था कि वो लगा कि बहुत ही क्रिटिकल कंडीशन में है लेकिन वो 24 घंटे के अंदर अंदर वो इतनी ड्रामेटिक तब्दील हो गई क्रिटिकल कंडीशन और उसमें क्योंकि कोर्ट ने एक कंडीशनल ऑर्डर पास किया था तो वो ये कंडीशंस को बड़ी स्ट्रिक्टली क्योंकि एक आम शहरी अगर ट्रैवल करके जाए वो बिल्कुल एक अलग होता है अगर किसी पाकिस्तानी शहरी के ऊपर केस है उनको कन्वेक्शन हुई हुई है तो उस सूरत में बाहर जाने देना इलाज के लिए वो बड़ा लिमिटेड एक्सेप्शन होना चाहिए और बाद नज़र में नज़र ये आता है कि शायद उसका आ, आ, सही इस्तेमाल नहीं हुआ और इसलिए ज़रूरी है कि अब उस प्रोसीडिंग्स को भी एक्टिवेट किया जाए कोर्ट के अंदर कि जी ऐसा क्यों हुआ अगर वाकई इलाज हो रहा है तो यकीन पूरा हक़ है उनको मगर तो अब जो बरतानिया से भी शवाद आए हैं जो एप्लीकेशन भी रिजेक्ट हुई है तो शायद वहाँ कुछ इशू हैं जो कि अब हाईकोर्ट के सामने लाने खा, की मेडिकल बोर्ड को भी फिर आप शामिल तफ्तीश करेंगे नहीं देखिए मेडिकल बोर्ड तो जो डॉक्यूमेंट हो उनके सामने जो डॉक्यूमेंट आएंगे उसकी बेसिस पे वो रिकमेंडेशन करेगी। हो सकता है बिल्कुल पॉसिबल है कि उस वक्त ऐसी हालत हो और एक पुरफ़ा मकाम में जाके जो है बिल्कुल सेहत में इतनी ड्रोमेटिक तब्दीली आ गई हो लेकिन इन तमाम चीज़ों का कोर्ट के सामने आना चाहिए मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ मैं बिल्कुल नहीं सजेस्ट कर रहा कि कोई रिपोर्ट मेरे पास क्योंकि कोई एविडेंस नहीं है मटेरियल नहीं है कि रिपोर्ट गलत थी लेकिन इतनी जो इंतहाई तब्दीली चंद घंटों के अंदर और उसके बाद अल्लाह ताला उनको सेहत दे वो दोबारा कभी रिकारेंस नहीं हुई ऐसी बीमारी की तो एटलीस्ट ये कोर्ट को भी राइट है कि उनको पता लगे कि वाकई हमारे सामने पूरी सही पिक्चर रखी गई थी या नहीं थी क्योंकि इससे फिर बदएतमादी पैदा होती है और आपने बिल्कुल सही कहा कि इससे नज़र ही आता है कि गरीब और आम शहरी के लिए क़ानून एक हैं ताकतवर शख्सियात के लिए दूसरे हैं और अगर ताकतवर शख्सियत का केस हो तो पूरी अदलिया जो है उसके ऊपर क्वेश्चन उठा दिए जाते हैं वजह इसके कि यह बताया जाए कि हमने शायद अदलिया को मिसलीड किया ऐसा प्रेजेंट किया जाता है कि जैसे अदलिया ने कोई बहुत बड़ा कर दिया है खालिद साहब नैब आर्डीनेंस पे आ जाते हैं अपोजिशन की तरफ से भी और अवामी हलकों की तरफ से भी ये कहा जाता है कि ये जो नए नैब साहब ने मंजूर किया है इसमें एक तो ज़रूरत से ज़्यादा रिलीफ दिया गया है उन लोगों को जो हुकूमत में शामिल हैं और उनके केसेस अमला ख़त्म कर दिए गए हैं दूसरा ये है कि कुछ ना कुछ किसी न किसी हद तक जो मौजूदा केसेस बड़े केसेस थे शबाश साहब का शाह खा खान आबादी साहब का हसन इकबाल साहब का उनको भी आप रिलीफ दे रहे हैं और मुस्तबिल की मनसूबाबंदी कर रहे हैं कि आपके लोग ना फंस सके ये दुरुस्त है नहीं मेरे ख़्याल में ये तास दुरुस्त नहीं है और ये जो सेकेंड अमेंडमेंट था जो पहला आया उसकी बुनियादी वजह यह थी कि एक दो शिकायात थी एक थी बिजनेस कम्यूनिटी की तरफ से एक थी सिविल सर्वेंस और ब्यूरोसी की तरफ से कि जी हमें अनड्यू हरसमेंट होता है उसको एड्रेस करने के लिए और फिर उसमें ये सोचा गया कि कलेक्टिव डिसशन मेकिंग ऐसी है कि ये इसमें करप्शन का पॉसिबिलिटी बड़ी रेयरली होगी अगर कोई पॉसिबिलिटी हो तो वो कैटेगरी भी डाली गई थी ताकि सिविल सर्वेंट्स गवर्नमेंट सर्वेंट्स जो हैं या बिज़नेस कम्युनिटी अपने अफेयर्स को विदाउट थ्रेट ऑफ नैब कर सके और उनके लिए स्पेशल लॉज मौजूद हैं तो ऐसा नहीं है कि किसी चीज़ को डिक्रिमिनलाइज किया गया हो जो कि क्रिमिनल थी सिर्फ फोरम चेंज किया गया है और जहाँ तक आपने कुछ केसेस का जिक्र किया जहर नैब एक आज़ाद इदारा है मैं उस पर कॉमेंट नहीं करना चाहूँगा लेकिन मेरी दानस में भी कुछ ऐसे केसेज हैं जिनको शायद नहीं होना चाहिए था और कुछ ऐसे ऐसे हैं कि जिन्हें बहुत पहले कंक्लूड हो जाना चाहिए था और वहाँ कुछ कमी यकीन नैब की तरफ से रह गई है और उसका आपने देखा होगा कि सुप्रीम कोर्ट ने भी अपने कई जजमेंट में बारह हज़ार का खालिद साहब बहुत ज़्यादा काफ़ी कौन से स्पेसिफिक केसेस हैं जो आप समझते हैं कि नहीं होने चाहिए थे देखिए ये मुनासिब नहीं होगा कि मैं किसी एक पर्टिकुलर केस पर नाम लूं मैंने सिर्फ एज अ लॉयर जो एग्जामिन किया जो मटेरियल देखा तो कुछ केसेस में जो अभी पेंडिंग है मेरी राय ये थी कि बड़ा स्ट्रॉन्ग केस है और बहुत पहले कंक्लूड हो जाना चाहिए था और उसमें मेरे ख्याल में सज़ा के केसेस थे कुछ केसेस ऐसे हैं कि जिसको देखने के बाद मुझे लगा कि इनको फाइल भी नहीं होना चाहिए था और ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ आ, हम किसी पर्टिकुलर क्लास को या पॉलिटिशियंस को मलाइन करें पॉलिटिशियंस में बहुत अच्छे ऑनेस्ट और डेडिकेटेड लोग भी हैं और हर जगह की तरह आ, और भी किस्म के लोग हैं जो कि मिस यूज़ करते हैं ठीक बहुत शुक्रिया अटर्नी जनरल पाकिस्तान खालिद जावेद खान के वक्त का आप हमारे साथ मौजूद थे इर्शाद साहब आपका शक्रिया प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया इजाज़त दीजिए